कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि सदन में विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने विपक्ष द्वारा जनता के मुद्दे उठाए जाने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा ने जो चार्जशीट दी थी वो केवल झूठ का एक पुलिंदा था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे तो उन्होंने एक साल पूरा उन्होंने पर चार्जशीट लाई, और जो पाँच साल से आप चार्जशीट का रट लगाए रखे हैं कि हमारे पास भी चार्जशीट है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, इसीलिए तो उस चार्जशीट पर कुछ नहीं कर सके। उसमें बयान दे देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो चार्जशीट हम पाँच साल पहले लाई थी ये सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाई थी, और जो हमारे नेता उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए लाई थी, हम इस चार्जशीट को बंद कर रहे हैं। तो उसके बाद कांग्रेस भी विचार कर सकती है। सरकार को एक साथ चार्जशीट कमेटी बनी है, चार्जशीट कमेटी उस पर पूरे तथ्यों की जानकारी एकत्रित कर रही है, पूरे फैक्ट्स के साथ चार्जशीट हम लाना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द कौन लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, कौन मंत्री ऐसा है जिस सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, सब चीज़ें आपको चार्जशीट में शामिल है। चलिए, गलती तो मानेंगे नहीं, उन्हें तो सब हरा ही हरा नज़र आता है। तो सरकार के नीचे क्या गुजर रहा है, सरकार के इर्द गिर्द क्या गुजर रहा है, उन सब मुद्दों को जनता की अदालत में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही उठाएगी, और हम जल्दी एक चार्जशीट लाने जा रहे हैं और जनता की अदालत में इस चार्जशीट को रखेंगे कि इस सरकार में एक साल के अंतराल में क्या क्या कार्य हुए, किन कमियों को और किन अनियमितताओं को इन्होंने अनदेखी करके इन कार्यों को पूरा करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।